दोनों का एक्सीडेंट एक साथ हुआ, तो मेरी अंजलि इतनी जान से भी चली गई, उसके कुछ चोट नहीं लगी। दो बच्चों का एक साथ एक्सीडेंट हुआ और एक इतना जान से चला गया और तेरे कुछ नहीं हुआ मैम। पंजाबला एक्सीडेंट केस को लेकर नए नए पहलू सामने आ रहे हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस एक्सीडेंट में 5 आरोपी नहीं है, 7 आरोपी हैं। 2 और आरोपियों की खोज हो रही है, जल्द उन्हें भी पकड़ लेंगे। अभी तक जब हम वीडियो बना रहे हैं तो वो 2 आरोपी पुलिस के शिकंजे में नहीं आए हैं। वहीं इस मामले को लेकर जब हमने मृतक अंजलि के माता और उनके मामा से बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा देखिए। 31 दिसंबर की रात को अंजलि की दर्दनाक मौत हो जाती है। इस वक्त मैं उनके घर पे हूँ और उनकी मम्मी मेरे साथ हैं। अंजलि से लास्ट टाइम जो ये घटना हुई है, उससे पहले लास्ट आपकी कब कॉल पे बात हुई थी? मेरी 31 की रात को 9 बजे बात हुई थी। 31 की रात को बात हुई थी, क्या कहा था उन्होंने कि मतलब कब घर आ रही हैं या कब तक? सुबह तक घर आती थी, 4 बजे तक। 4 बजे तक घर आती थी। तो उन्होंने किसी मतलब पार्टी का जिक्र किया था आपसे कि वो कोई न्यू ईयर पार्टी में जा रही है? नहीं नहीं, मेरे से कोई पार्टी का इवेंट का जिक्र करा था बस। मैं सोई सी पड़ी थी दवाई लेके। निधि अब सामने आई हैं। निधि ने कहा है कि उनके साथ ही उनका एक्सीडेंट हुआ था और जिस तरीके से वो अब कह रही हैं कि उस वक्त अंजलि काफ़ी नशे में थी, उसको लेकर क्या कहेंगी? मतलब अंजलि कभी नशा करती थी? नहीं, अंजलि नशा नहीं करती थी। और मैम चलो, दोनों का एक्सीडेंट एक साथ हुआ, तो मेरी अंजलि इतनी जान से भी चली गई, उसके कुछ चोट नहीं लगी। दो बच्चों का एक साथ एक्सीडेंट हुआ और एक इतना जान से चला गया और तेरे कुछ नहीं हुआ मैम। एक साथ तुम्हारा हो ही नहीं सकता एक्सीडेंट। ना तो हमारी लड़की में कोई ऐसा ड्रिंक का पदार्थ पाया गया, जहरीला पदार्थ, कुछ भी नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्लियर है, वो झूठ बोल रही है वो लड़की। हॉस्पिटल में वो होटल में उसी लड़की की एंट्री है, और जो भी यार दोस्त उसने बुलाए थे, उसने खुद बुलाए थे हमारी लड़की को, गुमराह करके उसने बुलाया था। और फिर बाहर कहीं पे उसी के साथ उन दोनों की कहा सुनी हुई है। अगर वो ड्रंकिंग थी तो हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अल्कोहल आता ना, बट ये मर्डर है। इसकी छानबीन CBI को सौंपी जाए, जो ये लड़की बोल रही है इसके ऊपर भी FIR की जाए। निधि चश्मदीद गवाह है। चश्मदीद निधि जब उस एक्सीडेंट से बचकर अपने घर पहुंचती हैं, तो सबसे पहले अपने पड़ोस में रहने वाले एक लड़के को अपना फोन देती हैं चार्ज करने को लेकर। जब उन्होंने मीडिया से बात की तो उन्होंने बहुत कुछ बताया, जिसको लेकर अब ये आरोप लगा रहे हैं कि निधि ने उन्हें फोन करके धमकाया है कि तुम मीडिया के आगे मेरे बारे में कुछ भी क्यों बोल रहे हो। उन्हें मेरे से आई वो, ठीक है, अपना गेट कटा दिया, अपनी मम्मी को आवाज मार देती वो, ठीक है। तो मैं यहीं पे बैठा था, आग सेक रहे थे यहाँ पर बैठ के, ठीक है। तो फिर है ना, मैंने देखा, मैंने पहले टाइम देखा कि टाइम क्या हो रहा है, तो मैंने टाइम देखा 2:30, 2:30, ठीक है, 2:30 बज गए थे, करेक्ट, ठीक है। और इतनी लेट को वो कभी आती नहीं थी? नहीं, आई है, कई बार आई है। अच्छा, मतलब वो अक्सर लेट आती हैं, ठीक है, ठीक है। तो जब फिर मैंने देखा ना, तो टाइम देखा, फिर उसके में जब गेट नहीं हुआ तो उन्होंने बोला था कि निशान तेरे पास टाइप सी चार्जर है। मैंने कहा हैगा। तो फिर उनने मेरे को अपना फ़ोन ला के दिया यहाँ पर, आया आग के पास। तो उन्होंने फ़ोन जब देने आई ना, तो मतलब कि उसके हाथ में यहाँ पर छिली विली हुई थी, मतलब छिली हुई थी, हाँ, तो चोट चाट लगी हुई थी, और हाथ पर ऐसे फ्रैक्चर वगैरह हो जाता, और टांग पर। हमने इतनी देखी, पर हमने उससे कुछ पूछा नहीं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, हमने उससे कुछ नहीं पूछा। जब उन्होंने चार्जिंग के लिए बोला, तो उस मैंने फ़ोन चार्जिंग अंदर लगाने गया, चार्जर पर लगा के आके आग के पास बैठा। इतने में उसके मैंने गेट खोल लिया, उन्होंने बोला मेरा फ़ोन ला के मेरे को दे दे, मेरे को अर्जेंट किसी को कॉल करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं गया, उसका फ़ोन लेके उसके हाथ में दे दिया। इस वक्त मैं सुल्तानपुरी में निधि के घर के बाहर हूँ। हम बहुत देर से, दोपहर से निधि के घर के बाहर हैं, और लगातार ये दरवाज़ा ऐसे ही बंद है। निधि इसके अंदर है, महिला कांस्टेबल इसके अंदर है। अभी कुछ देर पहले कुछ पुलिसकर्मी भी आए हुए थे जो इसके अंदर गए, उन्होंने निधि से बात की होगी। लगातार बहुत सारे सवाल हैं जो निधि से पूछे जाने हैं। अच्छा, जिस तरीके से अभी ये बात भी सामने आई है कि उसने अपने पड़ोस से चार्जर मांगा है अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए, उस पर क्या कहेंगी आप? मतलब उस वक्त वो इतने होश में थी कि वो अपना फ़ोन चार्ज कर सकती थी, लेकिन वो पुलिस को फ़ोन उसने नहीं किया, उस पर क्या कहेंगी आप? नहीं, उसको करना चाहिए था मदद, तो उसको मांगनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं से उसको मदद ज़रूर मिलती अगर वो मांगना चाहती तो मदद भी मांग सकती थी मैडम। चार्ज उसने मांगा है फोन के लिए, तो वो किसी की हेल्प भी मांग सकती थी उसको बचाने के लिए, मांग सकता होता ही है सबके पास ही, किसी से किसी को चलते को रोक सकती थी, फोन मदद हो जाती अगर करना चाहते तो जरूर होती।
अगर निधि चाहती, अगर निधि शायद एक कॉल करती या फिर वो अपने घर पे समय पे आके लोगों को बताती तो आज अंजलि हमारे साथ होती। मैं कामनी झा, मॉलिटिक्स।